है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। तो सुनो, आज से 900 साल पहले एक राज्य था जहाँ के लोग शांति से रहते थे। वे अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते थे, जिससे वो राज्य बड़ा ही खुशहाल था। उस समय उस राज्य में एक आदमी रहता था जो खुद भी खुश रहता था और दूसरों को भी खुश रखता था। लेकिन कुछ लोग थे जो उससे खुश नहीं थे। उन लोगों ने मिलकर उस भले आदमी को मारने का सोचा, लेकिन उस भले इंसान के पास कुछ एक सी शक्तियाँ थी जिसे हराना नामुमकिन था। लेकिन कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया और उसे मार दिया। जिन लोगों ने उसे मारा वो थे फर्स्ट 20 किंग्स, और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ खुद को भगवान कहलाने लगी, द सेलेस्टियल ड्रैगन। और उन लोगों ने एक संस्था बनाई, एक कंपनी बनाई, जिसे द वर्ल्ड गवर्नमेंट का नाम दे दिया। उस भले इंसान का नाम था जॉय बॉय। जॉय बॉय और 20 किंग्स के बीच में जंग हुई, और जंग जिस जगह पे हुई थी वो आखिरी युद्ध हुआ था। उस जगह के हजारों टुकड़े हो गए और छोटे छोटे राज्यों में तब्दील हो गए और बिखर गए। इस जंग के बाद पानी का जो लेवल था वो 200 मीटर से भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उस जंग के अवशेष पानी में कहीं डूब गए। उसमें जिन पावरफुल हथियार का इस्तेमाल हुआ था वो कहलाने लगे प्राचीन हथियार, यानी द एंशियंट वेपन्स। लेकिन वे लोग इतने सालों से लोगों से छुपाते आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं था कि इस जंग की शुरुआत तो हो ही चुकी थी जब एक 19 साल का लड़का अपने ख्वाबों को सजा कर उनके सामने खड़ा हो गया। इस 19 साल के लड़के के पास वही शक्तियाँ थी जो जॉय बॉय के पास कभी थी। अब एक और जंग होगी जिसमें द वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन की हार होगी। वो 19 साल का लड़का जिसने जॉय बॉय की व्हील को, इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा है, उसका नाम है मंकी डी लूफी, जो सिर्फ कुछ चावल के बदले में दुनिया के सबसे खतरनाक जीव से भी लड़ गया और उससे हरा कर उस राज्य को आबाद किया। इसी जंग को आने वाली पीढ़ियां द ग्रेटेस्ट वॉर इन द एनिमे के नाम से तुम याद रखोगे ना। वानों में सब लोग जॉय बॉय के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो पहले लूफी का किरदार निभाता था। अब वो यूसेस कैप्टन कीड है और वो जॉय बॉय को बड़ी आसानी से हरा देगा, ऐसी बात कर रहा है साला फेको। मेगा पंक अपनी बात को कंटिन्यू रखता है, जिससे मरीन्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस ओर से लड़ रहे हैं। दूसरी ओर लूफी और डोरी ब्रोगी जायंट सेंट वॉर से दूर भाग रहे हैं, जिसके बाद वेगा पंक जॉय बॉय के साथी और उनके 20 किंग्स के बारे में बता रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहानी सुनाई, और कहता है कि 900 साल पहले ऐसे हथियार थे जो आज के हथियारों से कई ज़्यादा शक्तिशाली थे। दूसरी ओर मिंग्स और दूसरे लोग भी अपना अपना रिएक्शन देते हैं, जिनमें कोई लोग वेगापुंग के साथ है तो कोई वेगापुंग की बातों को झूठ मान रहा है। वेगापुंग अपनी बातों को जारी रखकर कहता है वहीं पे अपनी प्रॉब्लम छुपी हुई है। दूसरी ओर स्टेसी अभी भी लेबो स्टेचुम को बंद रखने की कोशिश कर रही है, जिससे एडिसन कहता है इस तस्वीर तुम्हें लोअर बैरियर को खोलना पड़ेगा, लेकिन तस्वीर नहीं मान रही होती है, जिसके आंसर में एडिसन कहता है कि इस आइलैंड पे साले कुछ मॉन्स्टर घुस रहे हैं जो इस बैरियर को आराम से तोड़ देंगे। हम जो कर सकते थे वो हम सब कर चुके हैं, जिम्बे जोरों को लेकर आ रहा होता है क्योंकि सैटर्न अब वहाँ पर सब कुछ तबाह करने लगा था। वो नामी से बात कर रहा होता है और बैकग्राउंड में हम शॉप का देखते हैं जिसकी फट चुकी है कसम से, सो सैड। दूसरी ओर सांझी भी नीचे गिरा हुआ है, वो नहीं और कुछ जायंट सेंट नासजूरों से लड़ रहे होते हैं। वो लोग नासजूरों को अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने से रोक रहे होते हैं। बोनी उसकी स्लाइड से बार बार बचती है। वेगापुंग कहता है कि वर्ल्ड सेंचुरी का तो जॉय बॉय की हार से हुआ। बैकग्राउंड में हम एंशियंट जायंट रोबोट और जुनेशा को देख रहे हैं, जो प्रोबेबली जॉय बॉय के क्रू मेंबर थे वर्ल्ड सेंचुरी के दौरान।
दूसरी ओर नासुजुरो वेगापुंक ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए आगे चला जाता है। सेंट नासुजुरो का वन ऑफ द मोस्ट कोलेस मूवमेंट देखने को मिला हमें। उसने अपनी स्वॉर्ड के एक स्लाइड से पूरे लेबो स्टेटूम को आधा काट दिया। ओ भाई क्या सीन था ये सीन जब एनिमेट होगा ना मजा आ जाएगा यार। आप लोगों का क्या कहना है? और एक बात, और ये बात गौर करने वाली है कि सेंट नासुजुरो ने अभी तक नेम वाला कोई भी अटैक नहीं किया है, सिर्फ अपने बेस फॉर्म में ही सबकी तजिया उड़ा रहा है। वेगापुंक कहता है कि जॉय बॉय की हार से दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसके घाव अभी तक नहीं भरे हैं। हम सब जानते हैं कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि समुद्र बेहद ही ज़्यादा बड़ा है और ख़तरनाक है। कुछ लोग वही जन्मे और वही निपट लिए, उन्होंने कभी भी दूसरी सभ्यताओं और उनके कल्चर को नहीं जान सके, ये बात हम सबको पता है। लेकिन हजार साल पहले ऐसे नहीं था क्योंकि ये कैटाक्लिज्म वर्ल्ड सेंचुरी के दौरान हुआ था जिसने दुनिया को समुंदर में डुबा दिया और हम उसी ज़मीन के टुकड़ों पर जी रहे हैं जो बेहद पहले हुआ करती थी। हजारों सालों से वो दूसरा हिस्सा पानी में कहीं डूबा हुआ है। इस दुनिया में ऐसे कई खंड हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। जो दुनिया भूतकाल में थी वो हमारे आज जैसी है, तो उसे छुपाने का क्या फायदा? और ऐसा क्यों और क्यों करेंगे कोई? क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि पिछले 100 सालों में समुंदर का लेवल 200 मीटर से भी ज़्यादा बढ़ गया है, अब सब लोग चौंक जाते हैं। और ओडा ने सबके रिएक्शन हमें भर भर के बताइए है, वो सब रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं तो कुछ लोग नहीं मान रहे हैं वेगापुंक की बातों को। अब सब मरीन्स भी घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी बैटलशिप सिर्फ 60 मीटर ही लंबी थी, इसीलिए दूसरे मरीन्स उनको दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहते हैं। और कुछ बेवड़े लोग वेगापुंक की बातों को मजाक समझकर हंसने लगते हैं और कुछ लोगों को वेगापुंक की बातें सच लगती है और उसके बारे में सोचने लगते हैं। वेगापुंक आगे कहता है कि समुंदर का लेवल बढ़ने के पीछे कुदरत नहीं बल्कि कुछ लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि नेचुरल डिजास्टर इतनी जल्दी से असर नहीं होते, इसीलिए इसका कारण कुछ और है। और मैंने सब पिछले दिन का सी लेवल चेक किया तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मुझे उसका कारण भी पता चल गया और उसके बारे में भी पता चल गया। वो थे प्राचीन हथियार जिन्होंने 800 साल पहले दुनिया को डुबा दिया था और वो आज भी कहीं इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें चलाने वाले के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो वर्ल्ड सेंचुरी की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। बैकग्राउंड में हम 5 एल्डर्स को भी देख सकते हैं और लगता है कि इमुसामा वेगापुंक काफ़ी गुस्सा है जो होली लैंड ऑफ मेरी जुआ के अंदर पेंजिया कासल से सब सुन रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और एम्परर विशाल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट अगेन इन अनदर अमेजिंग वीडियो।